इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा, हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है। और सीबीएसई ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया है और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नजर रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बहुत मनोबल से तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ और बिना किसी संकोच के आप अपनी परीक्षा को देंगे।